इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके न्यूज पर। दोस्तों, बिहार के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण अभी तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में अगले दो दिन भी भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने 3-4 अक्टूबर के लिए पटना, वैशाली, बेगूसराय और खगड़िया के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में सूखा, अचानक भारी वर्षा और अब ये स्थिति जलवायु परिवर्तन के कारण है। इस साल जुलाई में 12-13 जिलों में बाढ़ आई, बाद में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया। अब अचानक हुई भारी बारिश ने पटना के कई इलाकों में पानी भर दिया है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जब बाढ़ और जल भराव के मुद्दों को लेकर हाजीपुर पहुंचे, तो स्थानीय लोगों ने उनका घेराव कर लिया। पटना के बाढ़ प्रभावित राजेंद्र नगर इलाके में पिछले 5 दिनों में फंसी बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है महिला कई दिन से बीमार थी। पटना के कंकड़बाग इलाके में एक महिला को बचाकर बाहर निकाला गया तो वह रोने लगी। महिला से जब पूछा गया कि उन्हें क्या परेशानी हुई, तो वह दिक्कतों को याद करके फूट फूट कर रोते हुए बोली, बहुत दिक्कत हुई। उसने आगे कहा कि कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा।